कुछ अरसा पहले अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिवील की थी और उसके अंदर उन्होंने चाइना को अपने लिए थ्रेट नंबर वन डिक्लेयर किया था। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा, बल्कि उन्होंने कहा अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा थ्रेट हम फेस कर रहे हैं चाइना की सूरत में। उन्होंने कहा कि चाइना हमारे ग्लोबल ऑर्डर को, हमारी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को, हमारी डिफेंस इन्फ्लुएंस को, हर लेवल पे वो हमें चैलेंज करने लगे हैं, लिहाजा अब से लेकर हमारे लिए थ्रेट नंबर वन चाइना है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट आपको मैं गुज़िश्ता साल अक्टूबर का दिखाता हूँ थोड़ा सा रिकैप कराने के लिए कि ये जो गजा के अंदर जंग चल रही है उससे पहले दुनिया का माहौल किस तरह का था। वो कहते हैं कि US नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉल्स कंपटीशन विद चाइना इट्स मोस्ट कंसिक्वेंशियल जियो पोलिटिकल चैलेंज। अमेरिकन कोऑपरेशन विद नेटो, G7 एंड लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज टू फॉर्म कोर ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी, सेज टॉप बाइडेन एडवाइजर। गाइडेंस डिक्लेयर्स कंपटीशन बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज अ प्रायोरिटी अलोंग द ट्रांजिशनल चैलेंजेस। ये दुनिया थी 7 अक्टूबर वाले हमले से पहले, ये दुनिया थी। अब आप देखें क्या हो रहा है। थ्रेट नंबर वन चाइना था ना इनका, मतलब इनको हमने धपड़दूस करना है, इन्हीं के लिए ये सारी तैयारियां कर रहे थे, अलाइंसेस बना रहे थे, इंडिया को घेर रहे थे, बांग्लादेश के ऊपर दबाव डाल रहे थे हमारी तरफ आ जाओ, पाकिस्तान पे दबाव डाल, दुनिया के हर मुल्क पे ये तकरीबन जो रेलेवेंट मुल्क हैं उनके ऊपर ये दबाव डाल रहे थे। और उधर से चाइनीज मुसलसल चीखते रहे कि आप ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं ना, इसको छोड़ दें आप, कि हमारे ब्लॉक में आ जाएं, उस ब्लॉक में चले जाएं, इसको छोड़ दें आप, लेकिन ये लगे रहे इस काम के ऊपर। अब क्या हो रहा है, मुकम्मल तौर पर अपने ही फैलाए हुए गंद के अंदर ये एंगेज हो गए मिडिल ईस्ट के अंदर। ये वहां से निकलना चाह रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे। अब तो दिन ब दिन मजीद ये इसके अंदर सक इन होते चले जा रहे हैं। पिछले 24-48 घंटों में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने रेड सी के अंदर एक ज्वाइंट फोर्स बनाने का एक फैसला कर लिया है कि यहाँ पे कोई 30-35-38 मुल्क जो है वो मिला के और एक फोर्स क्रिएट करेंगे, ज्वाइंट नेवल फोर्स। उसका मकसद ये होगा कि ये जो कमर्शियल शिप्स जा रहे होते हैं ना, तजारती जहाज, तो उसको वो ज्वाइंट फोर्स प्रोटेक्ट करेगी। दुनिया का अहम तरीन एक चोक पॉइंट है ना, बाबल मंदब और स्विस किनार की तरफ जाने वाला रास्ता दुनिया का अहम तरीन चोक पॉइंट है। इसको बंद कर दें तो यूरोप की तरफ जाने वाली और यूरोप से एशिया की तरफ आने वाला ट्रेड बंद हो सकता है। दूसरा रास्ता काफ़ी महंगा है, ज़मीनी रास्ता, और काफ़ी ख़तरनाक भी है। लेकिन ये वाला सस्ता रास्ता था, आसान रास्ता था, डेकेड से लेकर यहीं से तिजारती काफिले जाते रहे, तिजारती शिप्स जाते रहे। तो यहाँ पर यह हुआ है इसराइल और हमास वाली जंग के बाद के हुथियों ने इजरायली जहाज़ों को टारगेट करना शुरू किया। अमेरिकन नहीं, यूरोपियन जहाज नहीं, इजरायली जहाज़ों को उन्होंने टारगेट किया है। 4-5 इजरायली जहाज़ अब तक यहाँ पर टारगेट हो चुके हैं, लेकिन न जाने क्या अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में फतूर है कि इजरायली शिप्स टारगेट हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ 38 मुल्क लेकर पहुँच रहे हैं, यहाँ बैठ जाएंगे और हम अपने जहाज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। इनके जहाज़ों को किसी ने टच ही नहीं किया, जहाज तो इसराइल के यहाँ पर धपड़दूस हो रहे हैं ना। अनादुलू एजेंसी कह रहा है कि US सेज टॉक्स टू फॉर्म मैरीटाइम टास्क फोर्स टू गाइड कमर्शियल शिप्स इन रेड सी ऑन गोइंग। इट कुड बी एन इंटरनेशनल टास्क फोर्स मेड अप ऑफ 38 नेशंस, सेज पेंटागन स्पोक्सपर्सन। और वो कह रहे हैं कि एज यू हैव हर्ड यस्टरडे, वी आर इन डिस्कशंस विद आवर पार्टनर्स एंड आवर एलाइज अबाउट मैरीटाइम टास्क फोर्स। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि इनके मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, इनके बेशुमार जहाज़ मौजूद हैं अमेरिका के, और उनके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। लेकिन हौथियों ने 2-3 बड़े बड़े काम कर दिए हैं रिसेंटली। एक तो इनके जो मिसाइल इसराइल की तरफ जा रहे हैं हौथियों के, वो अमेरिकन जहाज़ों पे लगे हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करते हुए इसराइल तक पहुँच रहे हैं, इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ब्रीच करके टारगेट पर गिर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, अमेरिका के जहाज़ों के ऊपर लगा हुआ एयर डिफेंस ख़त्म, वो ब्रीच हो रहा है, वो भी इसराइल का भी ब्रीच हो गया। नाउ इस पे अमेरिका ने ये कांड कर दिया है कि हम कोई फोर्स बना रहे हैं। अब वो फोर्स कितनी इफेक्टिव होगी, दैट वी नीड टू सी। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हुई है कि मोस्टली ये जो मिसाइल इस तरह के ग्रुप्स के पास होते हैं, सरफेस टू सरफेस होते हैं, यानी स्टेशनरी जो टारगेट्स होते हैं, एक जगह पे खड़े हुए जो होते हैं उन पे लगते हैं। शिप्स जो होती हैं वो तो जहाज़ जो हैं वो समुंदर में चलते रहते हैं ना, हौथियों के मिसाइल जो हैं वो चलते हुए टारगेट के ऊपर गिर रहे हैं, विच मीन्स दे आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी और काफ़ी एडवांस लेवल के मिसाइल हैं जो कि मूविंग टारगेट्स को हिट कर रहे हैं।
नाउ इस पे सोचने की बात यह है कि अमेरिकन्स तो चाइना को थ्रेट नंबर वन कह रहे थे ना, ये कहाँ पे फंस गए इधर आके, वो भी इजराइल के चक्कर में। मतलब ये इनके लिए हौथी तो टारगेट नहीं थे ना, ये अपने रिसोर्सेज यहाँ पर लगाएंगे बाबल मंदब पे। उनको तो उधर कंटेनमेंट ऑफ चाइना करनी थी ना गुज़िश्ता साल तक भी, तो ये यही बात है, बल्कि इस साल के मिड तक भी आप देखें, जुलाई जून जुलाई तक भी वो यही बातें तो कर रहे थे, कंटेनमेंट ऑफ चाइना करेंगे, नंबर वन थ्रेट चाइना, चाइनीज़ जो है वो एग्रेशन करते हैं दूसरे मुल्कों के खिलाफ, चाइनीज़ तो बहुत ही बुरे हैं, इस तरह की बातें। लेकिन अब ये क्या हो गया, होथियों के खिलाफ टास्क फोर्स, ये किधर फंस गए ये, मतलब होथी और अमेरिका ये क्या है, ये तो यहाँ से निकल रहे थे, ये कह रहे थे यार खामखा में बैठे हैं सीरिया में, खामखा में बैठे हैं इराक में, उधर देखो वो उधर ड्रैगन पावरफुल होता चला, हमसे ज़्यादा पावरफुल हो रहा है वो, तो उनको पकड़ो। लेकिन ये दोबारा उसी पुरानी तनख्वाह पे आके काम कर रहे हैं, पुरानी सैलरी पे काम करने पे लग गए। इस पे अमेरिकन माहिरीन भी थोड़ा सा चिंतित हैं। द हिल एक बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है, वो कहता है कि हाउ फॉरेन वॉर्स आर डिस्ट्रैक्टिंग द यूएस फ्रॉम इट्स बिगेस्ट थ्रेट। इसमें उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम फॉर आवर करंट पॉलिसी मेकिंग विच इज वी वॉन्ट टू प्रियोरिटाइज चाइना एज द थ्रेट इट इज, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो बींग पुल्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड बाई दीज अदर एक्यूट क्राइसिस लाइक द यूक्रेन वॉर एंड द गजा क्राइसिस। अब देखें यूक्रेन वॉर को फंडिंग उन्होंने बंद कर दी, कितना कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है, बेइज्जती की बात है, जिल्लत की बात है। अमेरिका बड़ा जोर शोर के साथ यहाँ पे आया कि हम है ना यूक्रेन को बचाएं, हम है ना यहाँ पे, हम इनको देख लेंगे, ऐसी की तैसी रशिया की। 100 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे दे दिए इनको, 100 अरब डॉलर, कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट है, कोई साल डेढ़ भी नहीं हुआ, 100 अरब डॉलर। उसके बावजूद एंड रिजल्ट क्या निकला, वो हार रहे हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं पैसे नहीं है मजीद, ज़ेलेंस्की कह रहा है पैसे नहीं दोगे तो मैं लड़ूंगा कहाँ से। तो अगर इतने ज़्यादा पैसे भरने के बावजूद ये हाथ से निकल जाता है यूक्रेन और ये जंग हार जाते हैं मिसाल के तौर पे, जो कि अपेरेंटली नज़र भी आ रहा है, तो फिर अमेरिका के वो पैसे भी गए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी इनके गए, और फिर अब ये नए एरिया में यहाँ पे आ गए, होथियों के खिलाफ टास्क फोर्स बनाएंगे। और भाई आपने चाइना के खिलाफ काम करना था वहाँ पे, ये इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक और अपने ऊपर जो है वो लाइबिलिटी उठा के और कांधों पे लगा दी। तो अमेरिका जो हैं वो कोई सॉलिड किस्म की पॉलिसीज के साथ सामने नहीं आ रहे, वो हवा पे हैं, इससे साफ नज़र आ रहा है दे आर नॉट कॉलिंग द शॉट्स। ये कोई और ही है जो कि फैसले कर रहा है, इनको बस वो फॉलो कर रही है उसको, जहाँ पे इनको खिलाते हैं ना ग्राउंड उनका होता है, और जहाँ पे इनको ये खिलाते हैं अमेरिकन वहाँ आ जाते हैं खेलने के लिए, ये अपने ग्राउंड पे नहीं खेल रहे, अपने टर्म्स पे नहीं खेल रही है, इनको खिलाया जा रहा है दूसरी जगहों पे, जहाँ पे दूसरी जो आलमी ताकतें हैं इनको लेकर आती हैं, ये वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पैसे भी बर्बाद करते हैं, मिलिट्री रिसोर्सेज भी बर्बाद करते हैं, और हार भी जाते हैं आखिर में। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर पॉलिसी मेकिंग, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब भी मैं समझता हूँ कि इज़राइल की सपोर्ट जो है वो बिला वजह है, ये अपने दोबारा से पैसे वहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं, होथियों के खिलाफ टास्क फोर्स की बिला वजह उन्होंने बनाई हुई है, ये भी असल में डायरेक्टली लिंक्ड है इज़राइल वॉर से। अगर वो इज़राइल वॉर में कोई सीज फायर करवा देते हैं तो ये टास्क फोर्स पे पैसे भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनको, और ये होथियों के अटैक्स वैसे ही बंद हो जाएंगे, पहले भी तो नहीं कर रहे थे ना वो, ये तो जंग के बाद इन्होंने इज़राइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए हुए, तो ये डायरेक्टली जंग से रिलेटेड एक चीज़ है, गजा वाली जंग से लेके, तो उसको बंद कराने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको बंद नहीं कराया, उसको मजीद वो हथियार और ये सारा सप्लाई करके प्रोलोंग कर रहे हैं। लिहाजा इसराइल वाली जंग जो है ये बड़ी महंगी पड़ रही है अमेरिका को, उसके अपने जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो धबरदूस हो रहे हैं।